कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है वो, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है वो, प्यारी प्यारी है ओ माँ। छल के तो दिल ये मेरा रोता है, भाई भाई बे अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, भाई भाई बे अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छल के तो दिल ये मेरा रोता है, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग अपने मिलन में अगर ये घड़ियां गुजार देंगे तो हमारी माँ हमारा रास्ता देखती ही रह जाएगी। सच है तो मेरे भैया, सबसे पहले क्यों ना माँ का आशीर्वाद लिया जाए, उसके बाद अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। सच है तो भैया, आज वो भी देखना कि सबसे पहले माँ से आशीर्वाद क्यों लेता है। अच्छा हाँ, तो मतलब तू रेस लगाएगा? क्यों नहीं, चल ठीक है, बचपन वाली रेस आज भी लगाते हैं, देखते हैं माँ से आशीर्वाद पहले कौन लेता है। तो ठीक है भैया, देर किस बात की है, बड़ा पैगाम और चलते हैं माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए। आइए अच्छा है, कम से कम तो जीत तो गया, तू तो जानता है बचपन से आज तक मैं तुझे जीतता हुआ ही देखता आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं जीत जाता तो शायद तुझे बहुत तकलीफ होती। नहीं भैया, ये तुम्हारी भूल है, शायद तुम्हें यह भी याद होगा कि बचपन में सबसे पहले माँ से आशीर्वाद मैं ही लिया करता था। और रही बात आज की, तो आज ही आपकी रेस से हमारी रेस तेज निकली, क्योंकि माँ से सबसे पहले आशीर्वाद मैंने लिया। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अब इसका फैसला तो माँ ही कर सकती है। बेटे बेटे करण और बेटे अरबाज, तुम आपस में क्यों तकरारबाजी करते हो? बेटे देखो मेरी बात मानो जो मैं कह रही हूँ। देखो बेटे, ना तो तुम जीते अरबाज और ना तो करण बेटे, ना तो तुम हारे, मेरे बच्चे दोनों हो, इसलिए दोनों की जीत है बेटा। भैया माँ ने फैसला बहुत अच्छा कर दिया। क्यों नहीं, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर माँ मेरी तरफदारी करती तो आपका दिल दुखता, क्योंकि हम और तुम माँ के सबसे प्यारे बेटे हैं, इसलिए फैसला माँ के ऊपर ही छोड़ दिया और माँ ने जो फैसला किया वो हम लोग स्वीकार किया। क्यों नहीं भैया, काफी दिनों के बाद आज हम लोग अपने घर आए हैं और अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कदमों में हम तुम्हारे माँ, और कदमों में हम तुम्हारे, और सर को झुका रहे हैं, कदमों में हम तुम्हारे। तो कदमों में हम तुम्हारे, और सर को झुका रहे हैं, और के दो इजाजत दे, और ड्यूटी पे जा रहे हैं, दे दो इजाजत दे। और ड्यूटी पे जा रहे हैं, और
कदमों में हम तुम्हारे और कदमों में हम तुम्हारे और सर को झुका रहे हैं। बेटे अरबाज और बेटे करण, आज तुम्हारी माँ दोनों से कुछ कहना चाहती है। मेरे बेटे ध्यान रखो जो मैं कह रही हूं। अरे दोनों रहो सलामत। मैं तो सलाह पास से दुआ करती हूँ मेरे बच्चे दोनों सलाम कर। अरे दोनों रहो सलामत ये दुआ ये दे रही। चलना सच्चाइयों पे चलना ये तुमसे कह रही। अरे माँ तुमने कहा कि हम लोग सच्चाई पे चले। बिल्कुल माँ, हम तुमसे आज दोनों भाई वादा करते हैं कितनी भी मुसीबतें कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए हम लोग सच्चाई से पैर पीछे कभी नहीं हटाएंगे। सच कहता भैया। और माँ ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि हम लोगों के बीच में जो यह अटूट बंधन है ये कभी टूटने ना पाए और इसी तरह से हमारा प्यार बना रहे। माँ सच है भैया। जानती है माँ जिस तरह से जिस्म के बिना जान और जान के बिना जिस्म अधूरा होता है हम लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाते हैं। माँ और सूरज कब दूर गगन से चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से सब दूर बहार चमन से बंधन को प्यार का बंधन है। दुनिया में आए तेरा ही आ चल पाए जन्मों की दीवारों पे हम प्यार अपना लिख जाए। बंधन को प्यार का बंधन है जन्म का संगम है। के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत भगवान
नजर आता है जब बेटे तेरी सूरत ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी भगवान नजर आता है जब बेटे तेरी सूरत तेरे पावन चरणों में संसार बचा देते हम तेरी राह में जो सोने हो खुद को मिटा देंगे हमके बंधन को प्यार का बंधन है जन्मों का संबंधन है अरे माँ तुम बहुत शैतान हो गए क्यों भैया क्या कहना चाहते अरे शरारती थे बचपन से है माँ भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ आज यही मन करता है कि पास में बैठे और ढेर सारी बातें करें सच कहते भैया लेकिन मेरे भाई अरबाज शायद तुझे पता होना चाहिए कि तेरा भाई एक फौज कमांडर है आखिर कहना क्या चाहता भैया मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई हरकतें कर रहा है और जानते हो कुछ घुसपैठी अपने बॉर्डर की तरफ आए हुए हैं इसीलिए जो हमारे जनरल साहब हैं उन्होंने इत्तला दिया है कि जितने भी फौजी छुट्टी पे घर गए हुए हैं सबको आज शाम तक बॉर्डर क्रॉस पे पहुंचना है मेरे भाई आज 3 बजे की मेरी ट्रेन है और ट्रेन आने में सिर्फ आधा घंटा बचा है आधे घंटे में ये तो क्या कह रहा तो पहुंचने का रास्ता होगा ये तो क्या कह रहा सर तुझे यह भी मालूम होना चाहिए काफी दिनों के बाद आज घर हम आए हैं और क्या सोच कर आए थे कि आज दोनों भाई घर जा रहे हैं और अपनी माँ से बैठकर बातें करेंगे कुछ समय व्यतीत करेंगे लेकिन भैया तू अभी आया और अभी जाने की बात कर रहा है अरे पागल है क्या तू एक पुलिस ऑफिसर है तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तू जानता है माँ ने ही तो हमें नौकरी ये दिलवाई है और अगर कहा कि सच्चाई से पीछे नहीं हटना है और नौकरी का मतलब अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी करनी है और अगर भाई तू तो है ना माँ के पास इसे किस बात की तकलीफ होगी और मेरा क्या है जब आप लोगों को हमारी याद आए संदेशा भेज देना मैं हाजिर हो जाऊंगा फिलहाल मुझे जाना होगा भाई भैया तू जाने की बात कर रहा है तू जाने की बात कर रहा है लेकिन शायद तुझे नहीं मालूम कि भाई के सीने में क्या गुजर रहा है और आज तूने अपने भाई के सपनों को चूर कर दिया भैया क्या सोचा था कि आज एक साथ बैठकर खाना खाएंगे एक साथ बैठकर माँ से बातें करेंगे लेकिन आज तू आया और अभी जाने की बात कर रहा है मेरे भाई आज इतना दर्द मेरे सीने में तूने पैदा कर दिया इतना कभी दर्द तेरे जाने के बाद नहीं हुआ था भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और दर्द सीने में मेरे भैया और दर्द सीने में मेरे हाय और दिए जाते हो देख इस नौकरी में जुदाई भी होंगे मिलन भी होंगे लेकिन तू इतना उतार उदास क्यों होता है और माँ तेरी आंखों में आंसू क्या चाहती है तू
कि तेरा बेटा फर्ज के साथ डगमगा जाए? नहीं नहीं बेटा। तो फिर आंसू नहीं की माँ चाहेगी? आंसू नहीं माँ, अपने बेटे के लिए दुआ कर कि जब तेरा बेटा मैदान जंग में जाए तो दुश्मनों की छक्की छुड़ा दे। माँ मुझे जाने दे, और मैं तुझसे एक वादा करके जाता हूँ, जब तुझे कभी मेरी याद आए मेरे पास एक लेटर डाल देना। ये तेरा बेटा करण दुनिया की कोई भी दीवार तोड़ कर तेरे पास आ जाएगा। बेटे करण, इसका कहना तो ठीक है मेरे लाल बेटे अरबाज, लेकिन माँ माँ क्या करे बेटे, अरे अभी तो तुझको मैंने जी भर के देखा नहीं बेटे करण, और तू जाते जाते जाने की बात कह रहा है बेटे, हम जा ही रहा है बेटा। तो बेटे कहते हैं जब बेटा घर से निकलता है तो उसका परदेश लग जाता है बेटे, और तू तो जा ही रहा है मेरे लाल, तो मेरी बात सुनता जाए मेरे लाल बेटे। और जाते हो परदेश करण, जाते ही आज मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ माँ। माँ आंखें में आंखें डालकर बात कर माँ। आज मैं तुझसे जानना चाहता हूँ
कि जब हम दोनों भाई ट्रेनिंग पर गए थे तब तुम्हारी आंखों में इतने आंसू नहीं आए थे माँ, लेकिन आज आज मैं जानना चाहता हूँ कि भैया के जाने की खुशी के आंसू है या कोई ऐसा गम है माँ जिसे तुम बता नहीं पा रही हो। माँ नहीं बेटे, अरे बात कोई बात नहीं मेरे लायक, माँ तुम्हें बताना होगा माँ। तो बात तो क्या है और ये मैया है बताओ हमें। कोई बात नहीं है, अगर तू नहीं बताएगी माँ तो तेरे दोनों बेटों की कसम है। नहीं बेटे, ये तूने क्या किया बात, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। तूने अपनी कसम देकर अपनी कसम देकर बेटा अपनी माँ को मजबूर कर दिया। मेरे लाल, तू जानना चाहता है? मैं जानना चाहता हूँ माँ, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम बताने से तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही माँ? तो ठीक है मैं बताती हूँ, मगर सुनने से पहले बेटा तू अपने अपना कलेजा पत्थर का कर ले। हाँ कहीं तू तेरे कदम दगमगा जा जाए, अपने कदमों को मजबूत। बोल माँ तू क्या कहना चाहती है, बोल। जो कहना चाहती हूँ ध्यान से सुन बेटा। बोल माँ। के तू जानना चाहता है मैं क्यों आज इतना परेशान, कितना क्यों मेरा आंसू है? शाह परवरदिगार तो सुन, ये जो तेरा भाई भाई करण है बड़ा वाला। हाँ माँ। ये बड़ा भाई करण तेरा क्या, तेरा क्या क्या कहना चाहती है तू? तेरा क्या बोल माँ, तेरा सगा भाई नहीं है। नहीं नहीं माँ, कहो कि सब झूठ है माँ, कहो कि सब झूठ है। तुमने ऐसा कह क्यों दिया माँ कि करण मेरा सगा भाई नहीं है? आखिर मेरा सगा भाई नहीं माँ तो किसका बेटा है माँ? जो आपके माँ किसी की झूठ नहीं बोलती है, माँ सच बोलती है बेटा। मैं सच कहती बेटा नहीं है, और किसका बेटा है ये भी तुझे बताऊंगी बेटे। माँ बोल, मैं जानना चाहता हूँ आखिर किसका बेटा है ये बेटा? ये करण बेटा इसकी रणवीर सिंह का बेटा है। क्या इसकी रणवीर का बेटा है माँ? हाँ। आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ मैं वही जानना चाहता हूँ माँ। बेटा एक दिन की बात है, तेरे अब्बू जान मेरे पास आए, उस टाइम तू बेटा मेरे सिकम में था, बाहर नहीं था, न दुनिया पर आंखें खोला था। मुझसे कहने लगे तेरे पूजान के बेगम, आज जो एसपी साहब हैं उनके बच्चे करण का जन्मदिन है और तुम्हें न्योता दिया है और तुम्हें बर्थडे पे बुलाया है। मैं बेटा बहुत हंसी खुशी उनके साथ चली गई, वहां जाकर देखा कि बेटा करण अपनी माँ के गोद में मुस्कुरा रहा है। मैंने अपनी गोद में ले लिया, मेरी ममता जाग उठी बेटा। मैं उसे खिलाने के वास्ते हमेली से बाहर बरामदे की तरफ चली गई, मैं खिलाने लगी वहां। इतने में क्या हुआ बेटा घर पे? क्या हुआ माँ? हमेली में उसी टाइम दो दरिंदे आ गए जिनका नाम है शंकर सिंघानिया और वसीम खान।
कहने लगे एसपी साहब, ये जो गुनाहों की फाइल तुमने तैयार की है मेरे खिलाफ, इसे मेरे हवाले कर दो, उसके बजाय चाहे तुम 10 लाख रुपए ले लो। मगर एसपी साहब, एसपी साहब एक ईमानदार सच्चे ऑफिसर थे, उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उन्होंने सच्चा मां तो उन्होंने क्या किया, वसीम खान ये करण की जो मां सुजाता थी उसकी सर पे पिस्टल लगा दिया, कहने लगा देता है या यहीं पर इसका ढेर कर दूं। जब एसपी साहब ने इनकार किया तो मक्कारों ने उसकी मां को गोली मार दिया। नहीं नहीं इतना ही नहीं बेटा, एसपी साहब बचाने की कोशिश किया तो शंकर सिंघानिया एसपी साहब को भी गोली मार दी। ये तू क्या कह रही मां, हमें बच्चे को लेकर भाग निकली और इतने में तुम्हारे अब्बू जान मेरे पास आए, फाइल लेकर कहा बेगम ये फाइल और बच्चा, इसे तू हिफाजत रखोगी, हिफाजत करोगी, भले इसके बजाय तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए मगर बच्चे पे हाथ मत आने देना। और मेरा बेटा जो बर्बाद दुनिया पर आए तो उसे अच्छी शिक्षा देना, लेकिन बेटा तू तो मेरे से कम में था बेटा। मैं बच्चे अपने बेटे घर को लेके वहां से भाग निकली मगर उन दरिंदों ने तेरे अब्बू जान का पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने तेरे अब्बू जान से कहा वो फाइल लाओ, तो उन्होंने इनकार किया तो तेरे अब्बू जान को भी गोली मार दी। भैया क्या क्या उसने मेरे अब्बू को भी गोली मार दिया माँ? बेटा और मुझे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया, वो तो खुदा का शुक्र है ताकि चमन भाई जान मुझे आकर बचा लिया, वरना तो ना जाने क्या हो जाता। माँ तो बस करो बस करो और बस करो मेरी माँ, बस करो बस करो। और बस करो मेरी माँ, दर्द कब की कहानी सुनाओ नहीं, लाल जिंदा तेरा ऐसा किया है मां तो कसम है मात्र दूध की, मैं मक्कार तो चिंता नहीं छोड़ूंगा मां। ठहरो बेटे अरबाज, क्या कहा मां? तेरे कहने का मतलब कि मैं चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं, लेकिन नहीं मां, सच में नहीं मालूम, करण भैया की मां को छीन लिया और उनके पिता को भी छीन लिया, करण को अनाथ बना दिया। अगर तू नहीं होती मां तो करण भैया को सहारा कौन देता, कौन देता मां का प्यार और कौन देता मां का दर्जा। मां आज से मैं वर्दी को उतार दूंगा माँ। क्या उतार देगा? हाँ माँ, शायद तुझे नहीं मालूम कि अगर मेरे शरीर पर वर्दी रहेगी माँ तो मेरे हाथ कभी दुश्मन के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाएंगे माँ, ये कानून मेरे हाथ को हमेशा बांध के रखेगा माँ। होश में तो हो बेटा अरबाज, ये क्या कह रहे हो? वर्दी वर्दी उतारने की बात कर रहे हो क्या? तुम्हारे अब्बू जान का यही सपना था, यही ख्वाब थे ताकि मुझसे कहा था कि बेगम अगर बेटा मेरा बेटा दुनिया पर आंखें खोले तो उसे एक सच्चा सिपाही बनाना, उनका ख्वाब पूरा हो गया, अपने अब्बू जान का ख्वाब तू चकराचूर कर देना चाहता है? यही तो ख्वाब था तेरे अब्बू जान का। तेरे कहने का मतलब कि मेरे अब्बू का सपना था माँ? हाँ तो ठीक है माँ, अगर मेरे अब्बू का सपना था तो मैं अपने अब्बू के सपनों को कभी चूर नहीं होने दूंगा माँ, कभी नहीं, हमेशा उनके सपनों को बुलंद रखूंगा माँ। और तू जैसा चाहती है माँ वैसा ही होगा। बेटा एक बात मैं जानना चाहती हूँ। क्या? ये तो बता तेरी ड्यूटी कहाँ पर लगी है? माँ तू जानना चाहती कि मेरी पहली ड्यूटी पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई है माँ? हाँ शायद तुझे नहीं मालूम, नजीमाबाद पुलिस चौकी पर, वही पर हमारी पहली ड्यूटी, वही पर मैं ज्वाइन किया है माँ। और आज से तुम यहाँ नहीं रहोगी माँ, आज से तुम ही मेरे साथ चल, और जहाँ मैं रहूंगा वही मेरे साथ रहेगी माँ।
ठीक है बेटा मैं चलूंगी, लेकिन इससे पहले जो तेरी मामो जान जिन्होंने मेरी जान बचाई, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है उनका, अपने भाई जान से तो मिल लूं, तेरे मामू जान जो चमन मियां है ना उसे मिलकर तब आई हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ और आपका वहीं पर इंतजार करूंगा माँ। आदाब।